ये है एक प्यारा सा गिफ्ट और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर था नहीं है, ये गिफ्ट लाए खरीद के। अभी कैसे ऑन होगा, मैं ऑन करके इसकी टेस्टिंग करके लाया हूँ मैं घर से, तो फिर मैं ऐसे लेके ऐसे घुमा करूंगी ऐसे। हाँ, ये अपने आप जैसे जैसे आप इसमें फोन लगाओगे ना, यहाँ पे फोन लगेगा, जैसे आप फोन लगाओगे तो ये अपने आप ऑपरेट होगा। जैसे ऐसे मैं बैग के पास बना रही हूँ, है ना, आपको हेलो गाइस, ऐसे घूम जाएगा, बटन से घूमेगा आपके, ऐसे ऐसे मत करो, उसे वो टूट जाएगा ना, उसका सेंसर खराब हो जाएगा, तो करते रहेंगे ऑन करने दो उसे, बुद्धू मोई मोई हो जाएगा दीदी का। मैं इसको लेके सब घूमूंगी, कुछ कहेगा नहीं ना, सबको अरे बड़ी वाली ब्लॉगर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, जो बनने वाले होते हैं ना उनको लोग बोलते हैं ज्यादा आई बनने वीडियो बना रही है। मजाक नहीं बोली, मैं सीरियस में बोली कि बड़ी वाली ब्लॉगर कर रही हूँ, इसलिए मजाक में तो नहीं बोल रही हूँ। बहुत बड़ा बनना बाकी है, अभी तो पहले सीरीज हो गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे एक एक स्टेप दिया जा रहा है मेरे पतिदेव जी की तरफ से, सो थैंक यू सो मच के लिए। अभी इससे फोकस करो तभी तो और आगे जाओगे, अभी तो पहली सीढ़ी पे चले। पहले इन्होंने मुझे वो ला के दिया माइक, जिससे आप लोगों को वॉइस की दिक्कत थी ना, वो दिक्कत दूर हो जाएगी, बट मेरे जैसा इंसान इसको यूज करे तब तो। और उसके बाद ये गिम्बल, अब ऐसे यूज ऐसे ऐसे उसे खिलौना समझ लो ना, खिलौना नहीं है। अच्छी लग रही है, मैं अभी तैयार होंगी ना तो फोटो खींचना। मैं पता है होली वाली साड़ी पहनी हूँ, मैं रेडी होने के लिए अपना मेकअप लेके बैठी हुई थी, मैं जा रही हूँ रेडी होने, ये मेरा मेकअप किट, अभी मैं रेडी होंगी, सुंदर से बनाऊंगी, फिर बहुत सारे रील्स बनाऊंगी। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड हमने होली खेल ली, बहुत ज़्यादा खेल ली। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी ये साड़ी पहनी है, आप देखो ये होली की साड़ी है। सो ये होली की साड़ी है, मैं आपको बैक कैमरे से पूरा दिखा रही हूँ, जिसके लिए भी वो आते हैं वो हमें पहले करना होता है, ना कि उसी दिन पहनना होता है। तो मेरे पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जो कि कोलैबोरेशन के लिए आए हुए थे, और मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ भी कोलैब नहीं कर रही थी। बहुत से लोगों का ये भी कॉमेंट आ रहा था कि दी आप नहीं, लगता है इसके पास कोलैबोरेशन के कपड़े नहीं आ रहे हैं या कोलैबोरेशन नहीं आ रहा, कुछ भी मेरे पास आ रहे हैं, कुछ तो मैं ले भी नहीं रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि इंटीरियर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं कहाँ करूँगी कैसे करूँगी। लेकिन अब जो है वो काम लगभग फिनिश है, मतलब जो धूल मिट्टी का काम था वो सारी चीज़ें जो है वो साफ़ हो गई अब। तो अभी जो है ना कुछ, मतलब बोलने क्या जो था आप लोगों को पता है, कुछ मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि जिसकी वजह से मैं कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करती, कुछ भी नहीं कर रही थी, ना मैं अपने कपड़ों का कर रही थी, ना ज्वेलरी का, किसी भी चीज़ का नहीं कर रही थी, इसी वजह से ये रह गया। अब ये जिन्होंने ये साड़ी भेजी है, इंस्टाग्राम आईडी है उनकी, मतलब अगर मैं ये पहले पहनती तो शायद आप लोग को अच्छा लगता, आप लोग ऑर्डर देते उन्हें, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, उन्होंने कल मुझे एक मैसेज किया कि दी आप ना इसे होली वाले दिन पहन के बस पोस्ट कर देना। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो कितना समझते हैं वो मुझे, उनके पैसे लगे हैं इसमें, उनको एक भी बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार मतलब कि इतने दिन हो गए अब तो होली आ गया आपने किया नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे उन्होंने बस यही बोला कि होली वाले दिन पहन लेना और उसे पोस्ट कर देना। मतलब मेरे दिल को छू गई उनकी ये बात कि ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। तो अगर आपको ये साड़ी अगले साल चाहिए, अगले साल के लिए तो नहीं, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि उनके पास ना बहुत सारी साड़ियाँ डिजाइन वगैरह सब कुछ होते हैं, तो आईडी जो है मैं आपको मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम पे जब इसकी पोस्ट डालूँगी तो। एंड गाइज, मैं आज ना थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी
जो हर टाइम मेरे साथ खड़े हैं, उनको मैंने देखा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, वो सिर्फ मुझे ब्लॉग के थ्रू जानते हैं, बट इस तरीके से मेरे साथ खड़े हैं कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है कि मैं उनकी शुक्रिया कर सकूं। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ ठीक है, मतलब कि होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कमाए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पर मैं अच्छा खासा यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, बहुत अच्छी बहुत सारी चीज़ें बात, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब कि मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रही इस वजह से। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट ना करो कि मुझे कुछ बोलना पड़े या फिर कमेंट का भी रिप्लाई करना पड़े, मतलब नहीं, मैं नहीं करना चाहती। मुझे पता है किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे टाइम दो एंड ठीक है। और मैं बिल्कुल भी अभी जो अभी चीज़ें चल रही ना उसके हिसाब से मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती पूरा 100%, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगा कि मैंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें 100% ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं, अभी मुझे लग रहा है 90%, 10% भी क्या, 1% भी मैं कह सकती हूँ कि शायद मुझे बैक आना पड़े, मुझे कुछ बोलना पड़े, बताना पड़े, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। तो इसलिए ठीक है, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि अभी मेरे भाई की शादी है, होली है, आज होली हो गया और इसके बाद शादी ब्याह में हम व्यस्त होंगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों में हमें लगे रहना है। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगा, माता रानी का दिन आ जाएगा, माता रानी का हमेशा हाथ मेरे सर पे रहा है, भगवान का हमेशा, मैंने आप लोग बताया है ना, पता है क्या, मैंने हमेशा महसूस किया है कि मैं जब भी किसी मुसीबत में रहती हूँ ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ ना, जो भी कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान ने किया है और मेरे अच्छे के लिए किया है। कभी भी कुछ भी होता है ना, तो मैं ये सोच लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत दुख होता है, लेकिन मैं उसे इस चीज़ को सोच कर संभाली होती हूँ कि ठीक है, शायद अभी ऐसा ना इसलिए हुआ है क्योंकि शायद बाद में ज़्यादा बुरा होता, इसलिए शायद अभी भगवान ने ऐसे किया। तो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, गीता का सार है ये, इसे ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ बस वही वाला हाल है, और बस आज जो है होली होता है, मतलब फगुआ, हमारे घर फगुआ होता है, जिसमें झाल ढोलक लेके जो पापा चाचा वगैरह सब लोग होते हैं ना, वो बैठ के और वो बजाते हैं कीर्तन टाइप का, और जो फगुआ गीत होता है हमारा लोकगीत होता है हमारे बिहार साइड का, बहुत अच्छे अच्छे से गीत गाए जाते हैं, गुलाल उड़ाए जाते हैं उनके, हमारे दरवाजे पे आके ऐसे बहुत सारे लोग, जितनी भी जेंट्स होते हैं, लेडीज़ में जो जेंट्स होते हैं वो सारे आते हैं, इन सारी चीज़ों को गाते हैं करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी लगती है। बट मैं मिस कर रही हूँ, इस बार नहीं होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। एक साल मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था पिछले बार कि वो हो गया था, लाइव भी आई थी और सब कुछ दिखाया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो इस बार नहीं दिखा पा रही। बाकी पतिदेव जी भी आराम कर रहे हैं, बहुत खेला हमने, थक गए हैं, और मिलते थोड़ी देर में। अभी मैं जा रही हूँ इसका साड़ी का रील बना रहे, तो मैं थोड़ा सा गुलाल ऐसे लगा लेती हूँ, कर लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा फेवरेट कलर है, गुलाल लगाएंगे खेलेंगे, लेकिन मुझे रील शूट करना है। मेरी एक चीज बहुत बड़ी कमी है यार, अब भगवान करे ये कमी रहे, मैं अपना मुस्कुराना नहीं खोलूं। बहुत से लोग कहते हैं कि दिया पैसे मुस्कुराते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। आमा जी भाला यात्रा नहीं है, हैप्पी होली। हमारे पतिदेव जी अब घर जा रहे हैं, होली होली खेल लिए, नहा दो, सब कुछ हटा लिए, इनका थोड़ा सा मन ठीक नहीं है, मनवा जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप बाल उल कटवा के थोड़ा और वैसा लग रहा है। आप बोलो ऐसे कैसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं वैसे तो मैं ठीक हूँ, जुकाम हो गया है, थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था इनको, बट कोई नहीं, चलो ठीक है, होली एक बार आती है ना। तो अब ये घर जा रहे हैं टाइम से, बिल्कुल रुके नहीं, खेले सोए और अब जा रहे हैं। 7 बजे 7 बजे मतलब 7:15। अच्छा, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सुखा सुखा कैसे जाएंगे, चलो इनको गुलाल लगाए तो उसी बहाने मेरा एक रील बन जाएगा। ओहो, ओ माय गॉड। एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं दांत फाड़ रही है, हंस रही है, तो मैं कह रहा हूँ भाई हर इंसान को अपना जिंदगी जीने का हक होता है, तो आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे जियोगे। मेरे कह देने से कि आप मेरे गुलाम तो नहीं ना, कि मैं कहूँ बैठ हो जाओ तो आप बैठ जाओगे, मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओगे, ऐसे नहीं होता। बाकी वो व्यूअर है, उनको जो ठीक लग रहा है उन्होंने बोल दिया, मेरे को
नेगेटिव कमेंट करने वाला उसे भी कोई गिला शिकवा थोड़ी ना, वो ठीक है वो जिस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं वो कमेंट करते हैं। अब भाई देखो सारे ही लोग पॉजिटिव अगर होते हैं तो समाज में ऐसे नेगेटिविटी दूर नहीं हो जाती, दूर ही नहीं हो जाती, लेकिन ऐसे लोगों का भी रहना तो जरूरी है। बोलेंगे तभी तो पता लगेगा, बात में धन क्या पता उनके नज़रिए से आप गलत कर रहे हो तो वहाँ पर सुधार कर लो। मैं उनके लिए गलत कर रही हूँ कि मैं मायके में हूँ। अरे तो शादी है तो और ससुराल से शादी करोगे क्या? तो बस यही बात है, इसी के नज़रिए से मैं गलत हूँ। सही कह रहे हो, दो दिन बाद शादी है। मेरे को याद आया ये वाला कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि खरमास में आपके यहाँ कैसे शादी होती है। ये वाला खरमास में होता है, हमारी तो शादी इसी में हुई है। पागल हो गए हो क्या? हमारी नवरात्रि में हुई है शादी। इसमें तो शादी होता है ना, तभी होता है ना लगन। लगन खरमास होता है, बहुत लोगों का होता होगा। इतना रंग खेले वो नहीं पता आपको? बेइज्जती करने को बस एक मौका नहीं मिला कि बेइज्जती। चलिए ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाई थी ना, कोई नहीं थी। मैं कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू। तू जा रही है क्या साथ में? जा जा। कह रहा कबाड़े में सुन लेगा, डस्टबिन में कबाड़े में फेंक देना। ले जा, आप ले जाओ इसको, ले जाओ। रोले बहुत याद आएगी तू। से तू मिल रहे आरती से? मिल लिया आरती से। अब इतने दिन के लिए दूर हो रहा है तू। देखी बात है कैसे भी कर लो। बाय बाय। ठीक है ठीक है। अब पकड़ आ गई। मजे मजे में भाग रही है। सदी भी आए थे हमें छोड़ने के लिए, हम आए हैं मौसी के घर। अयो ए निक्की पकड़ ले, निक्की ए डुग्गू पकड़बू कि ना? अरे बाप कहां बोला, तुम आके जानत नहीं खा, जानत नहीं खू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन है हमारे। ये तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, इनको बताया नहीं कौन है। सुबह तुम्हारी मालकी जी को उन्होंने लपेट दिया। तो बन चलो शुरू हो जाओ, बदला निकालो है ना। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो। मांग पे लगा दी। मौसी मेरी साड़ी देखो, होली वाली साड़ी मस्त है ना? अच्छी रात हो गया कोई देखा ही नहीं। ये होली भी नहीं इधर बैठ के।
मैंने फोन नहीं देखा था ना, अच्छा लग रहा था। सो गाइस, तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मौसी घर गई थी और वहाँ पे बहुत सारी बातें की हमने, हम सारे बैठ के, और इसके बाद थोड़ा लेट हो गया घर आने में, 9:30 हो गए हैं। मम्मी ने फ़ोन किया, खाना वाना नहीं खाया, तो मौसी बोलती खा लो खा लो, तो मेरा मन नहीं था। आज के दिन इतनी चीज़ें बनती है ना हमारे घर खाने के लिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती है, बिल्कुल मन से उतर जाता, समझ नहीं आता। और आज के दिन पकवान देख के मन करता है सिंपल दाल चावल खाने का, जबकि हम रोज़ दाल चावल खाते हैं, उससे हमारा मन नहीं भरता। रोज़ हम रोटी सब्जी खाते हैं, हमारा मन नहीं भरता। लेकिन अगर एक दिन आपको 2-3 टाइम ऐसे खाने मिल जाए ना, बस आप पूछो मत कि आपको बिल्कुल मन करेगा कि हम सिंपल खाना खा लें, सिंपल खाना खा लें। सो अभी मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि मुझे कोई बात नहीं करनी पड़े। इस वाले ब्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें की है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, और ऐसी प्यार और सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।